अस्सलाम वालेकुम, मैं जो रही अज़ीम एक नए प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, आज मैं लाया हूँ रोज़मोर का मिक्स हर्ब इटालियन सीजनिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, इटालियन सीजनिंग से मुराद ये है कि जब इटाली में आप खाने वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें टॉपिंग करने के लिए छिड़कते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ सभी हर्ब्स होती हैं, जिसमें मैं आपको नाम बताता हूँ इनके। मरजोराम होती है, बेजल होती है, रोज़बेरी होती है, और सेवरी। ये हर्ब्स हैं, थाइम्स जो टिपिकल यूरोपियन एक स्पाइसेस हैं, जो मुख्तलिफ पिज़्ज़ाज में यूज़ होती है, स्पैगेटी में यूज़ होती है, लज़ानिया वगैरह में यूज़ होती है, और जो सीतो बनाने में इस्तेमाल होती है। रोज़मोर एक अच्छी कंपनी है, लेकिन साथ और इसका ये बैक किया और इनका कहना ये है, मिक्स बैक साइड पे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन थोड़ी दी है, मिक्स हर्ब इटालियन सीजनिंग अपने दुरुस्त तनासब और मुकम्मल खास के साथ खानों में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल कीजिए बतौर इटालियन मसाला तमाम मगरबी खानों में, मामन कोर्स सूप आमलेट और पास्ता डिशेज में। ये 10 ग्राम की पैकिंग में और ये लोकल मार्केट में लाहौर में ग्रोसरी शॉप्स में मतलब ठीक है 85 से 100 रुपीज़ के दरमियान अवेलेबल है। और इसके ये ऊपर इस तरह ये कैप भी लगा हुआ है, जितना आमलेट डालना तो डाल सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने तो काफ़ी इस्तेमाल की हुई है, मैंने कहा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ अगर आप इटालियन हर्ब यूज़ करना चाह रहे हैं। ये तो मिक्स हर्ब है ना, इसमें सिंगुलैरिटी में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, इसमें आपको थाइम्स भी अलग मिल जाएगा, रोजमेरी भी मिल जाएगी और क्या नाम है इसका, एक इनका है इंग्रेडिएंट्स बड़ा मशहूर है, मैंने मैं नाम नहीं आ रहा, ऑरिगैनो भी मिल जाएगी और मंजोराम भी इनके मिल जाएगी। ये स्पाइसेस नेम है जो मुख्तलिफ सीजनिंग में इस्तेमाल होते हैं इटालियन खानों में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये है आज का रिव्यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।